मेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। जब आप आफ्टर इफेक्ट में किसी फाइल को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर ऐसा एरर आ जाता है और आपकी फाइल ओपन नहीं होती है। ये एरर क्यों आता है और इसका क्या समाधान है, चलते हैं स्क्रीन की ओर। जब किसी आफ्टर इफेक्ट की फाइल को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर ऐसा एरर आ जाता है। इस एरर में लिखा हुआ है कि आफ्टर इफेक्ट वार्निंग प्रोजेक्ट फाइल, जो हमारी फाइल का पाथ होता है वो पाथ लिखा हुआ होता है। इसके बाद में डज नॉट एसिड का एरर आ जाता है। ये एरर प्रमुख दो कारणों से आता है। इसका पहला कारण ये होता है कि आपने फाइल का पाथ चेंज कर दिया हो, मतलब आपने जो इसकी फाइल थी उस फाइल को कॉपी करके दूसरे पाथ पर चेंज कर दिया हो। जैसे पहले सी में थी तो आपने इसको जी में कर दिया हो या एफ में कर दिया हो, इस कारण से ये एरर आ जाता है। इस एरर का समाधान कैसे करते हैं, के बाद फाइल में जाना है, ओपन प्रोजेक्ट पर जाना है और जहाँ पर भी अपना पाथ था, जहाँ पर भी अपनी फाइल थी उस फाइल को ओपन कर लेना है और उसे यहाँ से ओपन करना है। देखेंगे कि आप फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी परेशानी नहीं आए को फाइल में जाना है और सेव एज पर क्लिक करना है, फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर देना है। अब इसे बंद कर देते हैं। आप इसे डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं या सी ड्राइव में कहीं पर भी सेव कर सकते हैं और इसे दोबारा ओपन करके देखेंगे कि फाइल ओपन हो जाएगी, कि फाइल में ये समस्या है पर समाधान हो जाएगा। इसमें एक दूसरी समस्या भी आती है, वह भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसी फाइल को ले लेता हूँ और इसमें रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करके मैं इसमें स्पेशल करेक्टर जोड़ देता हूँ और यहाँ पर डबल स्पेस लगा देता हूँ और ओके कर देता हूँ और इसे दोबारा रन करेंगे। जो हमारे पास पहले एरर आ रहा था वही सेम एरर इसमें भी आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है आफ्टर इफेक्ट वार्निंग प्रोजेक्ट फाइल, जो पाथ इसमें दिया हुआ है वह पाथ दिया हुआ है और फाइल नेम दिया हुआ है और डज नॉट एसिड। जो पहले प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम अभी आ रही है। इसे सही करने के लिए आपको वापस उस फाइल में जो इसमें आपने गलत तरीके से नाम फीड कर रखा है या स्पेशल करेक्टर ले रखे हैं तो डिलीट कर देना है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसे दोबारा ओपन करते हैं तो हमारी फाइल ओपन हो जाए। तो मैंने दो तरीकों के बारे में बताया है। आपकी फाइल में जिस प्रकार की प्रॉब्लम है उसे सही करने पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी पर क्लिक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।